मिस्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा, मिस्टर प्रतीक, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे। डॉक्टर क्रांति भावना, मिस्टर सुदीप कुमार, माननीय मंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो रोजगार मिलने में चयनित लाभार्थियों को अपने कर्म अंगों से नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इस क्रम में निष्पूजा कुमारी, कांस्टेबल आईटीडीटी। देश में 45 जगह दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश का गरीब हो, बुढ़वा हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, कोई भी लोग भूखा नहीं रहे, कोई भी रोज बेरोजगार नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का सोच है। उसी के क्रम में आज रोजगार मेला के तहत पूरे देश में 45 जगह पर 71,000 नौजवानों को नई नियुक्ति पत्र दी गई है। विपक्ष कह रहा है कि काफ़ी संख्या कम है, हम लगातार काफ़ी दे रहे हैं। अरे विपक्ष का काम है विरोध करना, आप कितना अच्छा काम करोगे विपक्ष विरोध करेगा। लेकिन भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक घर में चूल्हा जले, उसी के अगर आप देखिएगा कि जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, देश में अमन चैन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। और सोच के तहत ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके तहत 10 लाख लोगों को एक साल में नियुक्ति पत्र दिया जाए। तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कितने दिनों से जनता दल यू भारत सरकार में का सहयोगी था, बिहार में सरकार थी, क्यों इतने दिन से नीतीश कुमार जी लोगों को रोजगार दिए? 17 वर्ष में यदि रोजगार देते, 1-1 लाख लोगों को देते, 17 लाख लोग होते, वो तो दिए नहीं। आज जब भारत सरकार का ही शुरुआत हुआ तो वो नकल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भारत सरकार, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी भारत सरकार का नकल कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।